नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बगैर भगाए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप लोग के पास में डायरेक्ट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि होली त्यौहार में कच्चा पक्का भोजन कर लेते हैं या ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, तो उसके कारण पेट जो है वो खराब हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप लोगों को पेट खराब हो गई है तो सुबह के समय में एक चम्मच चीनी जरूर तुरंत खाना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, चीनी पानी नींबू मिले तो और अच्छा है। उससे क्या होता है कि तुरंत पेट जो है वो ठीक हो जाती है एक दो बार पीने से, और आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप उसके बाद में खिचड़ी थोड़ा सा बना लीजिए, क्योंकि बहुत सभी क्या करते हैं लोग कि थोड़ा हो जाता है पर्व त्यौहार में ज़्यादा खाना, तो उसके कारण पेट जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए कि पेट अगर ख़राब हो गई है तो आपको खिचड़ी जो है वो बनवा लेना चाहिए, और बनवाने के बाद में तुरंत खा लेना चाहिए। खिचड़ी खाने से ये होगा कि आपके पेट की प्रॉब्लम जो है वो सारी दूर हो जाएगी और आपके पेट जो है वो ठीक हो जाएगी। नहीं पेट खराब होगा नहीं तकलीफें बढ़ेगी। तो अगर आप लोगों को पेट खराब है तो ये काम जरूर कीजिएगा। नींबू पानी पीने से ये होता है कि आपके पेट की जितनी भी अचरा कचरा जो है वो दूर करता है, गर्मी एसिडिटी बदहा जमी वो सब दूर करता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ऐसे जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माता दुर्गा जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के घर में खुशियाँ हमेशा मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें वहाँ बने रहें, मस्त रहें।